साल 2022 में देश में गेहूं के दाम में भारी बढ़ोतरी हुई और यही वजह है कि आम आदमी के उपयोग का खुला आटा 35 रुपए किलो पर पहुंच गया है। बाजार में गेहूं की बढ़ती कीमतों को देखते हुए साल 2022 मई में ही इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तब भी साल 2022 अप्रैल से नवंबर तक गेहूं के निर्यात में करीब 30% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं आपको बता दें कि शुक्रवार को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए हैं और उन आंकड़ों के मुताबिक प्रतिबंध के बावजूद भी गेहूं का निर्यात पिछले साल से ज्यादा रहा है, यानी कि चालू वित्त वर्ष में अप्रैल नवंबर के दौरान यह 29.29% बढ़कर 1.5 अरब डॉलर तक पहुँच गया है। पिछले साल इसी अवधि में 1.17 अरब डॉलर गेहूं का निर्यात किया गया था। उल्लेखनीय है कि घरेलू बाजार में गेहूं की बढ़ती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने 2022 मई में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि अनुरोध करने वाले देशों के खाद्य सुरक्षा और जरूरतों को पूरा करने के लिए गेहूँ के थोड़ा बहुत निर्यात करने की अनुमति दी गई। भारत में साल 2022 सबसे ज्यादा गेहूँ का निर्यात बांग्लादेश को हुआ। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास परिषद के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में बांग्लादेश को 4,82,843 मिलियन टन गेहूं का निर्यात किया गया। बांग्लादेश के बाद भारत में सबसे ज्यादा गेहूं का निर्यात श्रीलंका को किया गया। वहां साल 2022 में अभी तक 5,82,917 मिलियन टन गेहूँ का निर्यात किया जा चुका है और इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात का स्थान रहा। मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2022-23 में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के लिए 23.56 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चालू वित्त वर्ष के 8 महीनों में 17.435 अरब डॉलर का निर्यात पहले ही हासिल किया जा चुका है, इसीलिए शेष बचे 4 महीने में उम्मीद की जा रही है कि लक्ष्य बड़ी आसानी से पूरा किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।